क्या लगता है आपको इस बार? टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, ये तो जनता के ऊपर है, सबका अपना अपना सोच है। 10 सालों से बंगाल में ममता दीदी का शासन है, कैसा लगा आपका ये शासन उनका? हमको ठीक लगा, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी पढ़ाई जो यूनिवर्सिटी की थी वो उन्होंने यहीं से की थी। कोलकाता में अभी हम हैं और बंगाल का चुनाव चल रहा है और हम आपको ये यूनिवर्सिटी दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का अपने आप में एक वजूद है। कहा जाता है कि जो सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी में से एक इसका नाम लिया जाता है अगर आप बात करें तो। दूसरी तरफ इसे लेफ्ट का गढ़ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी एलीट वर्ग के या फिर पढ़े लिखे या फिर अच्छे पढ़े लिखे जो भी लोग आए उनमें से ज़्यादातर इसी कॉलेज से पढ़कर लिख ले। और मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ उनके साथ साथ, यहाँ से तो राजेंद्र प्रसाद पढ़े ही थे लेकिन साथ में यहाँ पर एक कॉफ़ी हाउस है जिसका नाम इंडियन कॉफ़ी हाउस, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या है वहाँ की हकीकत और क्या होता है वहाँ पर। तो इन कोलकाता की गलियों में हम आपको लाए हैं और दिखाएंगे आखिर क्या है इनका वजूद और क्यों लोग यहाँ पर आते हैं और क्यों कहते हैं अगर आप कोलकाता आए और इंडियन कॉफ़ी हाउस नहीं आए तो फिर आप कोलकाता नहीं आए। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉफ़ी हाउस वही कॉफ़ी हाउस है जहाँ पर लेफ्ट के छात्र या फिर जितने भी छात्र संगठन हैं इस कॉलेज में पढ़ने वाले वो सभी वहीं बैठकर विचार विमर्श और अपनी राय बनाते हैं, चाहे वो राजनीति की बात हो या फिर पढ़ाई की बात हो या फिर सरकार से कोई मांग मनवानी हो या फिर सरकार के खिलाफ छात्रों के लिए लड़ाई लड़नी हो, तो सारा कुछ उसी इंडियन कॉफ़ी हाउस में बैठकर बनता है बिगड़ता है। तो हम आपको वहीं ले चलते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उसी गली में जिस गली में इंडियन कॉफ़ी हाउस है। अगर इनमें से कुछ लोगों से हम बात कर सके तो हम बात करके भी सुनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं आखिर जो बंगाल में चुनाव चल रहा है, जो ममता बनर्जी की बातें हो रही हैं, जो CPM की बातें हो रही हैं, आखिर उनमें कितना दम है, CPM की सरकार बनेगी या फिर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन कुछ लोगों से पूछते हैं, दादा आप तो यहीं के रहने वाले हैं? हम बंगाल में तो बासठ में रहते हैं। आप यहाँ काम करते हैं? तो क्या लगता है आपको यहाँ का जो माहौल है स्टूडेंट का, ये जो इंडियन कॉफ़ी हाउस है बगल में, क्या सब देखने को मिलता है यहाँ पर? क्या देखने मिलता है क्या, थोड़ा बहुत दिन पहले, कुछ दिन पहले यार किसी माने किसी लोग ने जमात किया था, जमात हो गया बहुत, दो तीन संगठन का आदमी लोग बहुत जमात हुआ था, स्टूडेंट लोग भी था, इसलिए तो जो मेरा जो दुकान है इसका भी दिक्कत आ गया प्रचुर। पुलिस बहुत आया था इधर, एक आधा हफ्ता करने पहले। अच्छा, इसी कारण ये कॉफ़ी हाउस अभी बंद भी है? ना बंद नहीं है, बंद तब से ही खुला है। अच्छा। तब से ही खुला हुआ है, मैंने वो तो सुबह 10 बजे से खुलते हैं, हर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि लेफ्ट का गढ़ है, सही बात है, लेफ्ट वामपंथी उनका गढ़ कहा जाता है इस कॉफ़ी हाउस को, लोग यहाँ बैठकर उसकी चर्चा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जो बोलते हैं एकदम भूल बोलते हैं, गलत बोलते हैं वो तो आदमी। इधर सब जो जो संगठन का है, जो जो पार्टी का है, सब इधर आए थे। अच्छा, खैर ये तो बात हुई कॉफ़ी हाउस की और विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की। लेकिन अभी जो चुनाव चल रहा है बंगाल में, इस विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है? ये तो बड़ा बोलने का बहुत मुश्किल है। एक यंग है यहाँ पर, इनसे पूछते हैं। ये अपनी स्कूटी स्टार्ट कर, आपसे कुछ बात करना हमें। आप बोलिए। आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। मैं दूसरा कॉलेज तो में पढ़ता। आप यहाँ आते जाते हैं? नहीं, किताब के लिए आए हैं। अच्छा। किताब खरीदने के लिए आए थे। हाँ। हो गया। तो आप स्टूडेंट हैं लेकिन इस बार चुनाव हो रहा है, क्या लगता है आपको इस बार? टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, ये तो जनता के ऊपर है, सबका अपना अपना सोच है, लगभग मैं इतना ही बोल सकता हूँ। ममता बनर्जी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया और BJP ने, उसमें स्टूडेंट के लिए आपको क्या लगता है, और कुछ देना चाहिए था या जो दिया वो कम है? देखिए, बिना पूरा अच्छे से पढ़ के बगैर बोलना नाजायज़ होगा। नहीं, उसमें जिस तरह से बातें कर रहे ममता बनर्जी के मैनिफेस्टो में, आपको बताता हूँ, ममता दीदी ने कहा है कि उनकी सरकार बनी
तो वो स्टूडेंट के लिए 10 लाख का क्रेडिट कार्ड जारी करेंगी। एक स्टूडेंट के लिए, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट के लिए 10 लाख का क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे, उसमें वो 4% का ब्याज लगेगा। क्या लगता है इससे फ़ायदा मिलेगा उनको? देखिए, मैनिफेस्टो में बहुत कुछ बातें बोली जाती है, ये इतिहास भी गवाह है। हकीकत में ऐसा शायद पूरा नहीं होता है, देखते हैं इस बार क्या होता है। सब कोई पार्टी अपने अपने इश्तहार जारी की है, देखते हैं कौन कितना निभाते हैं अपना वादा। क्या नाम? मेरा नाम है ओरको प्रभु हजरा। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार क्या लगता है आपको इस बार बंगाल में बदलाव होगा क्या? हाई चांसेस है, बहुत कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। तो चलिए हम कहीं और चलते हैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको हम इंडियन कॉफ़ी हाउस भी ले जाएंगे। बंद कीजिए अंकल, एक मिनट। हम दिल्ली से आए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो चुनाव चल रहा है यहाँ पर, क्या इस पर क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या, सब ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दीदी ने जो मैनिफेस्टो जारी की है, उन्होंने कहा है कि वो विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की है, उसका नौकरी की बात कर रही है अपने मैनिफेस्टो में। बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो को जारी किया है, उसमें भी उन्होंने रोज़गार प्लस नौकरी और जो वृद्धा पेंशन है जो महिलाओं के लिए है, इस तरह की बहुत सारी घोषणाएं। क्या लगता है आपको? हमको क्या बोले, अब राजनीति के बाद हमको। अच्छा चलिए, आपसे हम दूसरी बात पूछते हैं। पिछले 10 सालों से बंगाल में ममता दीदी का शासन है। हाँ हाँ, कैसा लगा आपका ये शासन उनका? हमको ठीक लगा, ठीक है। इस बार क्या ममता दीदी रिटर्न आएंगी? मुझे तो लगता है लगेगी, आएगी। आप दीदी? हमको तो लगता है जो कुछ कन्फ्यूजन है, क्या होगा ठीक से नहीं बोल सकते, तो हम लोग तो जनरल पीपल है ना, हम तो चाहते हैं कि जो आए जो वादा करे वो ठीक से करे। जिस तरह से बीजेपी ने वादा किया है महिलाओं को लेकर कि अगर उनकी सरकार बनी तो केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई महिलाओं के लिए फ्री हो जाएगी, और दूसरा टीएमसी ने जो घोषणा, मतलब ममता दीदी जो घोषणा पत्र अपना जारी किया, उसमें उन्होंने कहा है कि हम स्टूडेंट के लिए 10 लाख का क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, उस पर 4% का ब्याज लगेगा। क्या लगता है आपको, इन दोनों से स्टूडेंट का भला होगा क्या? तो स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही है जी, कितना पहुंचेगा उस स्टूडेंट के पास ये तो कोई नहीं ठीक से बोल सकते, क्योंकि जब उसके पास पहुंचेगा तभी हम जान पाएंगे जे के ओके होगा के नहीं। लेकिन एक बात है, पिछले जो अभी कार्यकाल चल रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, उनमें उन्होंने महिलाओं को लेकर बहुत सारी योजनाएं चलाई, जिसमें कि रूपोश्री और 2-3 योजनाएं और थी, उनका फ़ायदा मिला क्या लोगों को? ऐसा लगता है आपको फ़ायदा मिला क्या नहीं? हाँ मिल रहा है तो, मगर ज़्यादा फायदा तो जो होता है ना, जिसको जो उस पार्टी में होता है उसको मिलता है, ये तो चलता रहता ही है ना। तो क्या लगता है आपको इस बार बदलाव होगा क्या? हमको लगता है क्या जे के बदलाव होगा के नहीं, ये इसके लिए तो कुछ और, मैंने वोट के वोट जब आ ही रहे वो आ गए हैं, इसको कन्विंस कर रहे हैं लोगों को, दे रहा है ये देंगे देंगे कर रहा है कुछ ये करके दिखा रहा है, इसमें जो लोग क्या समझे ऐसे कर गए। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ और लोगों से बात करते हैं। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पर ये इंडियन कॉफ़ी हाउस है जिसकी हम बात कर रहे थे। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और कुछ दिखाते हैं आपको, यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, जो लोग आते हैं, क्यों इसको कम्युनिस्ट या फिर लेफ्ट का गढ़ कहा जाता है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ नो वोट टू बीजेपी, बंगाल अगेन फास्टिस्ट आरएसएस बीजेपी, मतलब कि जो आरएसएस बीजेपी है उसको फास्टिस्ट बताया गया है इस पर्चे में, और लिखा गया है कि बीजेपी को वोट ना करें। मैं आप जो कुछ दिनों से लगातार इस बात की चर्चा मीडिया में हो रही है, वही इंडियन कॉफ़ी हाउस है। अभी तो खैर ये बंद हो चुका है, नहीं तो हम आपको ऊपर ले चलते और दिखाते और लोगों से बात भी करते। तो ये है कोलकाता का इंडियन कॉफ़ी हाउस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो किताबें हैं वो किताबें रखी जाती है, जो यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं वो पढ़ने के लिए यहाँ से किताब भी लेते हैं, और
अपने ज़रूरत की उनके ज़रूरत के जो कुछ सामान है वो भी यहाँ मिलती है। खासकर जाना जाता है किताबों के लिए और कॉफ़ी के लिए ये इंडियन कॉफ़ी हाउस। तो ये आज से नहीं, जिस समय से वो कॉलेज है जिसमें हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ते थे, उसी समय से कहा जाता है कि इंडियन कॉफ़ी हाउस भी है। इसका वजूद उसी समय से है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन पोस्टरों में बांग्ला में एक भगत सिंह का पोस्टर लगाया गया है, इसमें कुछ लिखा गया है बांग्ला में। अब बांग्ला में क्या लिखा गया ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो लेफ्ट यूनियन के स्टूडेंट हैं ISF या फिर जो भी उनसे जुड़े रहते हैं CPI CPM के लोग, उनके छात्र संगठन यहाँ आते हैं। और कहा जाता है कि अब यहाँ पर जो कुछ राइट विंग के लोग भी आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, वो यहाँ पर अपनी राजनीति की चर्चा करते हैं, जो राज्य में चल रहा है उसकी बात करते हैं। खासकर चुनाव और वोट और जो युवा, ये तीन चीज़ों की बात यहाँ ज़रूर होती है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बंगाल से जुड़ी हर एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, हर एक विधानसभा से। तब तक के लिए नमस्कार। कोलकाता के इंडियन कॉफ़ी हाउस से मैं अंशु रंजन, DB लाइव के लिए।